वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मार्च और आज NER महाप्रबंधक अनुपम शर्मा का वार्षिक दौरा था, जो कि सुबह आज शाहजहांपुर से शुरू हुआ और पीलीभीत होते हुए ये भोजीपुरा से अब ट्रेन उनकी नॉन स्टॉप इज्जत नगर की दिशा में जा रही है। तो दो व्यू हम आपके लिए और लेकर के आ रहे हैं। दीपक ने ये वीडियो भेजा है भोजीपुरा के आउटर से, जहाँ पर GM स्पेशल पीलीभीत की दिशा से आ रही है, और वीडियो के अगले भाग में आप इज्जत नगर के पास देखेंगे GM स्पेशल ट्रेन जब वापस अब गोरखपुर इज्जत नगर होते हुए वो लौटे हैं, तो उसका व्यू हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सामने से आप देख सकते हैं GM स्पेशल ट्रेन, यहाँ पर कर्व है भोजीपुरा के आउटर पर, पीलीभीत की दिशा से ट्रेन आती है और यहाँ पर गति सीमा लगी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रफ्तार यहाँ पर ट्रेन निकलती है। तो आप देख सकते हैं GM स्पेशल ट्रेन अब भोजीपुरा जंक्शन की तरफ बढ़ रही है, जहां से नॉन स्टॉप फिर आगे इज्जत नगर की दिशा में ये ट्रेन जाएगी। और GM साहब के साथ DRM इज्जत नगर और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं मंडल के, सब साथ हैं। और वार्षिक दौरा था आज, पूर्व में दो बार जब डेट्स आई थी तो वो पोस्टपोन हो गया था। आज 26 मार्च को ये दौरा उनका सम्पन्न हो गया निरीक्षण, और अब जनता को उम्मीद है कि रेल संचालन की कोई ना कोई डेट अब निकल करके सामने ज़रूर आएगी, विशेषकर पीलीभीत शाहजहांपुर रेलखंड में, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। तो देखना होगा कि अब GM साहब के दौरे के बाद नोटिफिकेशन विज्ञापन पेपर में कब आता है, आखिर ट्रेन चलने की तारीख कब आती है, क्योंकि उसी में अब जितने भी लोग हैं उनको अब रुचि रह गई है, बाकी किसी और चीज़ में अब दिलचस्पी नहीं रह गई है प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया है, अब बस ट्रेन चलने का इंतज़ार है, उसकी बहुत लंबे समय से लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखना होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आता है। ये आप देख सकते हैं लक्ष्य यान पीछे जो इंस्पेक्शन कोच होता है लगा हुआ है, और ट्रेन जा रही है भोजीपुरा जंक्शन से फिर अब इज्जत नगर की दिशा में। वीडियो का ये हिस्सा भेजा है अनमोल ने इज्जत नगर के आउटर से, थोड़ा शूट करके सामने भोजीपुरा की दिशा से GM स्पेशल पूरी रफ्तार से आते हुए एक स्पीड व्यू, और आप देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो निरीक्षण संपन्न हुआ है, अब देखते हैं कि क्या तारीख आती है रेल संचालन को लेकर के सामने।